राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल पहुंची महिला चिकित्सालय। भद्रसा गैंगरेप से पीड़ित नाबालिग बच्ची से मिलने पहुंची महिला चिकित्सालय। महिला चिकित्सालय पहुंचकर पीड़ित बच्ची का लिया हालचाल। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, आरोपियों पर की जाएगी कठोर कार्यवाही। इस घटना से समाजवादी पार्टी का चरित्र आया सामने। दोनों आरोपी हैं सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी। सांसद अवधेश प्रसाद के साथ आरोपियों की कई फोटो हो रही है वायरल। पीड़ित नाबालिग का सरकार और बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगी देखभाल। आरोपियों की चाल चरित्र को देखते हुए नाबालिग के गांव में और भी बच्चियों से होगी पूछताछ। ऐसे घिनौने कृत्य को न सरकार माफ करेगी न समाज। उन्होंने कहा कि पीड़ित की मां को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मिलने के लिए बुलाया है। आई हूँ इस बच्ची की जांच करने के लिए, किस बच्ची के साथ कैसे क्या हादसा हुआ। लेकिन वाकई में बड़ा दुख हुआ है कि बच्ची खेत में अपने काम करती थी और खेत में काफ़ी समय से वो लोग इसको तार रहे थे, तो इसको किसी बिस्किट का बहाना दिया, आओ तो बिस्किट देते हैं। उसके बाद इसके साथ रेप किया करीब दो व्यक्तियों ने। उसके बाद इसकी वीडियो भी बना ली और वीडियो बनाकर इसको कहा गया कि तुम अगर घर में बताओ कि तुम्हें मारेंगे और तुम्हें इस तरह बुरे फैला देंगे। इस बच्ची के साथ कई बार उन्होंने गलत कार्य किया। उसके बाद जब पता चला उस तब इसके ये कंप्लेंट, लेकिन वाकई में ये समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने आ रहा है क्योंकि वो सांसद के बहुत ही करीबी हैं। सब जानते हैं कि वो सांसद का करीबी है, ये उनका चरित्र है, ये उनका सामने आ रहा है। मतलब शर्म नहीं आ रही एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह से हादसा करते हुए, और वो बच्ची दो ढाई महीने से प्रेग्नेंट भी हो गई। मतलब बड़ी शर्म की बात है, छोटी बच्ची जो 12 साल की भी नहीं हुई है पूरी, उसके साथ इस तरह का हादसा करते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। ऐसे लोगों को तो बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वो पकड़े भी गए हैं। और हमारे यहाँ से जो भी हमारी सरकार करेगी वो अच्छा करेगी, कम से कम इन लोगों को इनकी सज़ा जरूर मिलेगी। और इस बच्ची का पूरे ही रक्षा संरक्षण जो है हम लोग स्वयं करेंगे, हमारी सरकार करेगी, बाल कल्याण समिति करेगी। अगर ऐसा है, कंप्लेन है, तो हम उसकी भी जांच करवाएंगे, अवश्य जांच करेंगे। कौन सी बच्चियां और पीड़ित रही हैं, कैसे रही है, उसकी पूरी जांच होगी। अब वो पकड़े गए हैं, उनके विषय में सारी जांच होगी। ये उनका साफ साफ उनका चाल चलन चित्र सामने नज़र आ रहा है कि कैसे कैसे लोग उनके पास है, कैसी कैसी समाजवादी पार्टी के सांसद के बहुत करीबी हैं। उनकी फ़ोटोएँ भी सब वायरल हो रही हैं कि वो सांसद के कितने करीबी हैं। तो सांसद बनने का मतलब ये नहीं कि आप इस राक्षस बनकर लड़कियों का अत्याचार करें, लड़कियों पर आप जो भी करिए गलत है। और इसी का जो है समाज भी माफ नहीं करेगा और सरकार भी नहीं माफ करेगी। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि माता से कई बार नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस ऐसा कुछ नहीं करेगी। पुलिस ने पुलिस पूरी तरीके से अरेस्ट किया है और पुलिस अभी हमारे साथ आई है। माता जी का बयान है? नहीं नहीं, माता जी का बयान है, वो आज मुख्यमंत्री से मिलने गई हैं, वो सारी बात को रखेंगी। वो आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ ही गई हैं और सारी बात अपनी रखेंगी, जैसा होगा पूरी उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।